हाय फ्रेंड्स, हमें तो पूजा, वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड वेलकम टू थिंकर एकेडमी पावर्ड बाय एफटीएस। और आज की जो वीडियो है माय फ्रेंड्स, जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि जो लाइव डेटा है, तो हम आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू की मेकिंग सेंस ऑफ लाइव डेटा। तो मैं जो गाड़ी यूज की है वो होंडा सिविक है, पेट्रोल। मैं आपको जो ईओबीडी का डेटा है वो भी दिखाऊंगा, जो मैन्युफैक्चरर साइड है वो भी दिखाऊंगा। मैंने जो स्कैनर यूज किया है वो थिंकर लाइट है, उसमें जो कुछ बहुत अच्छी एबिलिटीज हैं वो आपको खुद ही दिख जाएंगी, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। एंड बेसिकली उसमें क्या हमें क्या क्या पता लगता है, फॉल्ट कोड कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या क्या वो डेटा बता देता है एंड हम अपने कन्वीनियंस में उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और फॉल्ट बड़े आराम से और जल्दी पकड़ सकते हैं। एंड दूसरा यह है कि एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमारे ऐप में मिलेगी, इसे बोलते हैं मास एयर फ्लो ग्राम्स पर सेकेंड। जो मास एयर फ्लो है ग्राम्स पर सेकेंड कितना होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द इंजन क्यूबिक कैपेसिटी। तो वाइड ओपन थ्रॉटल पे कितना एयर आना चाहिए कि इंजन में ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इंजन बेसिकली एक एयर पंप है। सरल भाषा में हवा अंदर आती है, वो कंप्रेस होती है और फिर बाहर निकलती है। तो वाइड ओपन थ्रॉटल पे कितनी हवा आनी चाहिए वो टेबल आपको मिल जाएगी, बहुत ही वैल्यूबल रिसोर्स है। सो लेट अस नाउ गो इनटू द स्कैनर और मैं आपको वो सारा लाइव डेटा कैप्चर दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, हियर आर थिंग टू लाइट एंड ये मैं जाता हूं मेरी जो फाइल स्टोर्ड है। तो पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो होंडा स्पेसिफिक है, आप देख सकते हो 2008 सिविक है और ये इसका चेसी नंबर है। सो वी गोइंग टू इट। आज की आप डेट देख सकते हो 12/8/2022 13:10, मतलब 1:10 पे ये डेटा मैंने लिया है। सो लेट अस गो इनटू द डेटा। ओके, अब डेटा आप समझिए कि मैंने जो कैप्चर किया है जो मेरे को ठीक लगा, एयर फ्यूल रेशियो, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, ये मैं आपको दो चीजें दिखा देता हूं। ओके, लेट अस गो इनटू एयर फ्यूल रेशियो। जो एक चीज है यू नो, जो मैं हर बार बोलता हूं, अब इसके ऊपर आप ध्यान देना, वी आर गोइंग इनटू कैलकुलेटेड लोड, ठीक है, और इनमें से एक को हम कम कर लेते हैं। चलो मास एयर फ्लो को लेते हैं, तो बिकॉज हम चार ही पैरामीटर्स रखते हैं, तो लेट अस गो इनटू के एएफआर शॉर्ट टर्म को हम हटा देते हैं। ओके, या शॉर्ट टर्म रखें, लॉन्ग टर्म चल रही है, दोबारा देख लेंगे। सो मैंने इसको, अब ये देखो फ्रेंड व्हाट हैज हैपेंड, मैंने इसको ओके किया, ये मेरा जो है मैंने इस डेटा को प्ले किया। ओके, एंड लेट मी ट्राई टू प्ले इट फास्ट, राइट। अब मैं यही डेटा जो है अगर मैं ग्राफ में बोलता हूं तो ये चार सेक्शंस ग्राफ के बन जाएंगे, ठीक है। इसी डेटा को अगर मैं कंबाइन करना चाहता हूं तो ये रहा इसका कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसकी वैल्यूज देखना चाहता हूं, ये रही इसकी वैल्यूज। नाउ लेट अस कीप इट एट द वैल्यू और हम एक काम करते हैं, लेट अस, अब आप देखो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, क्योंकि इसमें वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर है, एएफआर जो इसकी जो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम है वो फिक्स्ड है एट लैम्डा 1। एयर फ्यूल रेशियो, अभी क्योंकि ये गाड़ी बेसिकली आइडलिंग पे है, 4.30 ग्राम्स इसकी हवा आ रही है, कैलकुलेटेड लोड पे आप निगाह रखना, इसलिए मैं बोलता हूं कि कैलकुलेटेड लोड जो है ज्यादा एक्यूरेट चीज नहीं है। अब आप देखिएगा कि क्या होता है, लेट अस टेक इट अ लिटिल फास्टर एंड फिर मैं इसको पॉज कहीं पे करूंगा, लेट्स गो। चल रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ,
एबिलिटी है हमारे पास, ये मैंने मेरे ख्याल से गाड़ी की, हाँ ये देखो एट 31 ग्राम्स पर सेकेंड भी वो कैलकुलेटेड लोड वैल्यू 100 आ गई थी, ये देखो आप, लेट मी गो बैक, ये देखो आप ध्यान से देखना, इसलिए सीएलवी जो है ये देखो 13.75 ग्राम्स पे कैलकुलेटेड लोड वैल्यू 100% है, और अब मैं अगर चलता हूँ ये देखो कितने ग्राम्स पर सेकेंड एयर जा रही है, 82, 87 कैलकुलेटेड लोड, 92% कैलकुलेटेड लोड वैल्यू वहीं का वहीं है, ओके मतलब 100% है। तो बेसिकली जो लोड वैल्यू है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एंड लेट मी रिलेटेड टू दी ओबीडी डेटा, ओके हम जाके आप बाद में इसको कोरिलेट कर लें। अब मैं अदर में जाता हूँ तो ई ओ बी डी डेटा है, डेटा रिकॉर्ड अगेन 12/8 आज की डेट का 13:18 पे, एक मैंने और डेटा लिया है बल्कि आज राइट कल भी लिया था, बट एनीवे इस वाले डेटा को लेते हैं। ये जो है ओ बी डी टू डेटा है, ओके अब मैंने कहा एब्सोल्यूट लोड वैल्यू ली, मैंने एयर फ्लो लिया, मैंने कैलकुलेटेड लोड वैल्यू ली, मैंने यू नो लेट्स से इंजन आरपीएम लिया, मैं 4 लेता हूँ और मैंने ओके किया। एंड अब आप इसको ध्यान से देखें एंड इसको आप कैलकुलेटेड लोड वैल्यू पे निगाह रखें और एब्सोल्यूट पे देखें, लेट्स डू इट अ लिटिल फास्टर, ये देखो 100% और उसकी कहाँ है, ये देखो लुक एट दिस। सो बेसिकली लोड वैल्यू ये होती है कि जो मेरा मास एयर फ्लो सेंसर है, ओके इंजन आरपीएम पे निगाह रखिएगा, मास एयर फ्लो पे रखिएगा, आप इंजन आरपीएम देखिए कहाँ जा रहा है, 3600, 3700, 3800 लोड वैल्यू, एब्सोल्यूट लोड वैल्यू कहाँ है और कैलकुलेटेड लोड वैल्यू कहाँ है, लुक एट दिस। सो थोड़ा सा हम इसे, क्योंकि वाइड ओपन थ्रॉटल पे हम लोग ये लेते हैं सारी चीज़ें, तो इतना ट्रैफिक होता है यार कि इट समटाइम बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट मैंने डेटा रिकॉर्ड करने की पूरी तरह से कोशिश की है। ये 3000 rpm पे है, अब मैं कुछ भी इस डेटा में देख सकता हूँ, ओके ये लुक एट दिस, पीछे हम वी वेंट टू अबाउट व्हाट 5000, लेट्स सी किक डाउन मैंने किया था 2500, ओके लेट्स सी, ये कितना है 4000 rpm, ये देखो 5000, 5500, 5700 rpm, 88, 90 ग्राम पर सेकेंड इंजन आरपीएम, कैलकुलेटेड लोड वैल्यू वहीं रहेगी, एब्सोल्यूट लोड वैल्यू जो है मुझे ये देखना है कि एब्सोल्यूट लोड वैल्यू और जो मेरी मास एयर फ्लो की वैल्यू है, अगर मैं इस पैरामीटर्स को सिर्फ 2 को ले लेता हूँ लेट्स से, तो एब्सोल्यूट लोड वैल्यू और मेरी मास एयर फ्लो, जस्ट मैं ये 2 लेता हूँ, ओके एंड मैं इसको प्ले करता हूँ, लेट मी डू इट अ फास्ट फॉरवर्ड थिंग। तो मेरी ये जो चीव है ये बढ़नी चाहिए दोनों, ओके एव दी आर पी एम इनक्रीज, ये जैसे जैसे मेरा आर पी एम बढ़ेगा मेरा ये जो है इसको फॉलो करना चाहिए, ये देखो लुक एट दिस, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब हम 90 ग्राम्स पर भी आएंगे तो भी ये जो एब्सोल्यूट लोड वैल्यू है वो कभी भी 100% के आसपास नहीं आएगी। टेक अ लुक, कहीं हम वहाँ पे थे क्योंकि ये जो डेटा है एंड आई डोंट वांट टू कीप द वीडियो बहुत लंबा, सो लेट्स सी कहाँ पे कहाँ थे हम, ये देखो एट व्हाट, यहाँ पे देख लेते हैं 77, 80, 86, 88 लुक एट द लोड वैल्यूज। तो मुझे ये पता है कि मेरा इंजन ब्रीद ठीक से कर रहा है, मतलब जितना एयर उसको चाहिए वो खींच पा रहा है, और वो जब आप लुकअप टेबल्स में देखोगे तो बहुत कुछ पता लगेगा। अब मेरे को एक और इंटरेस्टिंग चीज पता लगी इसी रिकॉर्ड से, मुझे यह पता लगा कि मेरी जो कैटलिस्टिक जो कैटलिस्ट है कन्वर्टर जो मेरा, उसकी एफिशिएंसी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मुझे कैसे पता लगा मैं आपको दिखाता हूँ, कोई उसमें चेक इंजन लाइट नहीं आई। अगर मैं अपनी शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक 1 और शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बैंक
बैंक वन सेंसर वन राइट एंड बैंक वन सेंसर टू को लेता हूँ तो लुक एट दिस, मुझे पता लग गया कि मेरा जो कैटलिटिक कन्वर्टर है बिल्कुल ख़त्म हो गया ज़ीरो। वो कैसे पता लगा? ये देखो, ये जो मेरे फ्यूल ट्रिम्स हैं सेंसर वन के और सेंसर टू के, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब लेट मी टेक इट अ लिटिल फॉरवर्ड, ये देखो लुक एट दिस, दे आर दी मिरर इमेज। अब मैं इसको ग्राफ में भी देखूं तो मिरर इमेज है दोनों, ये देखो। इससे मेरे को ये पता लग गया कि जो मेरा कैटलिस्ट है, वो जो कैटलिटिक कन्वर्टर है, दैट इज गॉन, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए। सो कोई फॉल्ट कोड नहीं है क्योंकि जो O2 सेंसर है वो काम कर रहा है, बट देर इज, ये अपना जब लाइव डेटा हम देखते हैं और क्या इंटरेस्टिंग डेटा है हमारा। ओके हम बोलते हैं ऑलराइट, वी आर लुकिंग एट एब्सोल्यूट लोड, एयर फ्लो, इक्विवेलेंस रेशियो एंड ऑक्सीजन सेंसर, बैंक वन सेंसर वन। ओके लेट्स सी दीज डेटा, अगर हम इसको देखते हैं। अब आप देखो कि क्या होता है कि अगर मैं, लेट मी टेक इट टू दैट पोजिशन जहाँ पे मैं मेरा लोड वैल्यू बढ़ गई थी, आरपीएम बढ़ गया था, तो लेट्स सी। ये देखो, लेट मी स्टॉप इट हियर, इक्विवेलेंस रेशियो क्या आ रहा है 0.788, एब्सोल्यूट लोड मतलब मेरी गाड़ी एक्सेलरेशन पे है राइट, एंड ऑक्सीजन सेंसर का जो करंट है मेरे को उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप ये देख लो कि इससे मुझे ये पता लग रहा है कि मेरी गाड़ी रिच चल रही है अभी, यू नो। इसको मैं ग्राफ में भी देख सकता हूँ, मैं इसको कंबाइन भी कर सकता हूँ, जैसे मेरे को डेटा अपना व्यू करना है आई कैन डू इट राइट। और हमें क्या वैल्यू अच्छी लगती हैं, लेट अस सी कि हम बोलते हैं साहब इंजन आरपीएम, और उस टाइम हमारा इक्विवेलेंस रेशियो लैम्डा, ओके, और हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लोड, और हम बोलते हैं कैलकुलेटर लोड, मैंने आपको दिखाई दिया, ऑलवेज चेंज होगा, फ़र्क होगा, इसमें भी आप देख सकते हो, लुक एट दिस, हमने कहा ये लो, तो लेट्स प्ले, एंड ये इंजन आरपीएम पे ध्यान देना, लेट्स सी कहाँ पे जाते हैं हम, लेट्स लुक एट दिस, ये इंजन आरपीएम, लेट्स लुक एट दिस, ये देखो, इसको यहाँ पे मैं रोक देता हूँ तो ओके, लुक एट दिस, 5047 आरपीएम, एब्सोल्यूट लोड इज 80.392%, इक्विवेलेंस रेशियो, ये देखो, मैंने आपको हर बार बोला था कि जब लैम्डा की हम वैल्यू देखते हैं अगर वो 1 है तो दैट मींस वो परफेक्ट एयर फ्यूल रेशियो है, जब वो 1 से नीचे जाएगी तो इसका मतलब मेरी गाड़ी रिच चल रही है, जब वो 1 से ऊपर जाएगी तो इसका मतलब मेरी गाड़ी लीन चल रही है। सो ये आपके सामने है कि ये देखो 0.768, तो इसका मतलब ये है कि मेरी गाड़ी उस टाइम एनरिच हुई हुई है। ओके अगर इसको मैं और प्ले करता हूँ, लेट्स सी और क्या होता है। तो माय ओनली थिंग इज फ्रेंड्स कि ये जब डेटा हम लोग एज अ प्रैक्टिस, अगर हम लोग इसको, ये देखो जो भी है, अगर हम प्रैक्टिस में अपने इस डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, इंजन आरपीएम वेंट टू 6000 राइट, तो अब कैलकुलेटेड लोड वैल्यूज के ऊपर आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जंप करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी कि 6000 पे क्या आया था हमारा, 5800 समथिंग, ओके 6044 आरपीएम, एब्सोल्यूट लोड वैल्यू 77.255%, लैम्डा देखो कहाँ जा चला गया 0.763, तो इट्स गॉन डाउन, गाड़ी एनरिच हो गई है। सो अब इसको आगे चलते हैं, ये देखो, अब अगर मैं, लेट्स पुट इट हियर,
तो ये देखो इंजन आरपीएम 1222, एब्सोल्यूट लोड 21% एंड मेरी लैम्डा जो है वो धीरे धीरे वापस आ गई। सब कहना ये है, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप अपने स्कैनर में ये डेटा रिकॉर्ड करके, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यू नो वी डू इट मैन्युफैक्चरर साइड में, अगर मैं देखता हूँ होंडा में आई डोंट नो और मैंने क्या डेटा रिकॉर्ड किया है, यू नो हम लोग फ्यूल ट्रिम्स देख सकते हैं, ये देखो एयर वी वांट टू कंपेयर दी एयर शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, ओके एपीपी सेंसर्स दो ये ले लिया हमने, हमने कहा ओके क्या भैया ले कर दिया हमने, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखो इंटरेस्टिंगली कि जब हम यू नो टोटल थ्रॉटल देते हैं तो आई नोटिस इंटरेस्टिंगली कि जब वाइड ओपन थ्रॉटल मैंने पंच किया तो बोथ दी वैल्यू वेंट टू जीरो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आके यू नो आएंगी, तब मैं आपको टीपीएस की वैल्यू भी दिखाऊंगा। वेट आई थिंक हियर कहीं यहाँ पे है, फिर वी कैन हमारा जो थ्रॉटल पोजिशन है ये देखो लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम एपीपी वैल्यूज की परसेंटेज आप देख लो 115.78%। जाहिर सी बात है दीज आर लाइक अगर मैं इसी उसमें आपका एपीपी और टीपी राइट ये लेता हूँ एंड फ्यूल ट्रिम्स वहीं रहेंगी, लेट इवन इफ यू लुक एट द एयर फ्यूल रेशियो, हम ये चार को देखते हैं तो इसको डेटा को प्ले करते हैं तो लेट अस लुक एट दिस कि उस पॉइंट पे कहाँ पे है। ये देखो क्या हुआ, ये देखो 116.23 थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। बेसिकली क्या है आपको कहना का मतलब ये है, लुक एट द एयर फ्यूल रेशियो 12.01 से क्या मान रहे हो आप कि 12 पार्ट हवा है एक पार्ट फ्यूल जलाने के लिए। अगर मेरी गाड़ी लीन चलेगी तो ये जो 14.7 है उससे ज्यादा हवा आएगी, और अगर मेरी गाड़ी रिच चलेगी तो एयर कम होगी फ्यूल ज्यादा होगा जो आप इस मोमेंट को कैप्चर कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जितना आप लोग डेटा को कैप्चर करके एनालाइज करने के आदत डालोगे उतने ही आप बेहतर टेक्नीशियन होगे। अभी मैंने लिमिटेड डेटा है, डेटा इतना मिलता है स्कैनर्स में एंड बहुत ही बढ़िया स्कैनर इस मामले में है कि यू नो आई कैन लुक एट द डेटा देयर, ये मेरे को ग्राफिकल फॉर्मेट है, अगर मुझे कंबाइन करना तो आई कैन लुक एट इट एंड कंबाइन भी मैं कर सकता हूँ, तो मुझे यू नो वैल्यू ऑल इन ऑल। ये कहने का मकसद मेरा यह है कि जब आप इस तरीके का डेटा कैप्चर करके रिकॉर्ड करके उसे प्ले करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे फॉल्ट्स दिखेंगे एट ईच आरपीएम क्या चेंज हो रहा है। सो आप अपने आराम से तसल्ली से डेटा को एनालाइज करके फॉल्ट फाइंडिंग अच्छी तरह से करके आप अपने कस्टमर को हैप्पी कर सकते हैं, मतलब खुश रख सकते हैं। हैप्पी कस्टमर मीन्स आपकी भी तरक्की। सो इस वीडियो को वील कीप इट टिल हियर एंड टिल वी मीट अप अगेन विद अ न्यू वीडियो। दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर, बाय बाय।